इसमें कोज हो रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी को मिलना एक रिकॉर्ड, और ये कहा जाए पूरे देश का एक भरोसा जीता गया है इस पार्टी इस जीत तक। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे पास बहुमत नहीं है या नहीं, हम ये करें। अब इनके एक परीक्षा की घड़ी शुरू हो रही है कि ये लोग जो जनता से कहते आए हैं उस पर ये कितना खरा हो सकते हैं। और दूसरी बात, छोटे छोटे दल उभर रहे थे, लगभग उनका समापन जैसा दिख रहा है। अगर अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है कांग्रेस और भाजपा मुख्य रोल पर आ रहे हैं, बाकी जो छोटे मोटे संगठन थे उनकी कहीं स्थिति नज़र नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि छोटे दलों के कारण जो राजनीतिक सिनेरियो बिगड़ गया था बीच में, वो कहीं ना कहीं वापस से मूल पार्टी और विपक्ष दो चीज़ें आमने सामने आएंगी, और हो सकता है इससे देश को बहुत बड़ा फायदा भी हो। और बाय द वे पिछले चुनाव की तरह जो खामियां रह गई हैं इस पार्टी की, अगर वापस वो दिखाई दी तो हो सकता है कि इस पार्टी को आज की जीत अगले चुनाव के हार पे पड़ने की। ये जीत अगर अपन ये माने केवल बीजेपी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो ये कहना गलत है, क्योंकि कांग्रेस को धरातल बता दिया गया है इस चुनाव में। जिस प्रकार का अहंकार राज्यसभा के चुनाव जीतने के, राज्य विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद, और जिस प्रकार का इनके संगठन में इनडिसिप्लिन देखा गया है चुनाव के टाइम में। सुशील, जब विधानसभा चुनाव हुए थे लोगों ने अपना वोट दिया था कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस पर विश्वास करके वोट दिया गया था, लेकिन आप देखो जब से सरकार नई सरकार बनी है लोगों तक काम नहीं पहुँचे हैं, लोगों तक काम नहीं किए गए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो विवाद है वो जगजाहिर था, लोगों के बीच में था। पद को लेकर जिस प्रकार से नेता लोग कांग्रेस के लड़े हैं, आप रघु शर्मा का उदाहरण देख लो सुशील, जीतने के बाद चिकित्सा मंत्री के बाद ना केवल वो अपने कार्यकर्ताओं का फोन उठाना बंद कर दिया बल्कि आम आदमी से मिलना तक बंद कर दिया। यहाँ तक कि आप देखो JLN अस्पताल में जो कि वो चिकित्सा मंत्री है, केकड़ी के लोगों के लिए अलग से इलाज करने की उन्होंने सुविधा रखी है, उन्होंने सिर्फ केकड़ी के लोगों का ध्यान दिया कि मतलब चिकित्सा मंत्री वो केकड़ी के रह गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस ने अपना विश्वास खोया लोगों में। ये एक तरह से रेफरेंडम है, ये मानना चाहिए कि जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे वो लोगों ने उनको अब नकार दिया है कांग्रेस को। बीजेपी से हमारे साथ रचित हैं, युवा नेता हैं। रचित, 25 सीटें कांग्रेस के लिए कोई बात या अपने दल के लिए कोई बात? ये कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, मोदी जी के सक्षम नेतृत्व की जीत है, और कांग्रेस के तो अब मुझे लगता है कि वापस हो सकता है कि राजस्थान के अंदर भी सरकार जो इनकी विधानसभा में आई थी वो गिर सकती है, क्योंकि गहलोत साहब ने खुद ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर अच्छा प्रदर्शन हम लोग नहीं कर पाते तो मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। जब गहलोत साहब इस्तीफा दे देंगे तो पायलट साहब को बनने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनके कांग्रेस के जो विधानसभा के अंदर जो विधायक जीते वो भी भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हो सकता है सरकार गिर जाए, तो हो सकता है राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार बन जाए देश के साथ साथ। नहीं, इसमें सुशील मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर 2014 का कंपेरिजन अगर आप अभी 2019 से करोगे तो उसमें काफ़ी हद तक अंतर है। 2014 की जो लहर थी उसमें लोगों ने नरेंद्र मोदी को देख के वोट किया था, और नरेंद्र मोदी को वोट देखने के एक लहर में दिया था, लेकिन 2019 में कांग्रेस जो थी वो अपनी जमीन नहीं बना पाई है। कांग्रेस अपनी जमीन नहीं बना। मैं नंदकिशोर जी आपके पास आऊंगा, 25 सीटों में कहीं नहीं है कांग्रेस का, पूरी तरीके से राजस्थान में सुपड़ा साफ है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने उसकी वजह तो नहीं है ये? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा ने एक नारा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को सैल्यूट, कि कोई भी राजनीतिक दल भारत का या कई सामाजिक लोग यश वो ये नहीं मान के चल रहे थे कि ये जो आंकड़ा आ रहा है ये 2014 से भी आगे बढ़कर आ रहा है। निसंदेह मोदी जी को बधाई, अमित शाह जी को बधाई, और भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को बधाई जो जमीन से जुड़ा हुआ है और अपनी पार्टी के लिए कार्य करता है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता की जीत है ना। आज की तारीख में कांग्रेस के पास में जमीनी कार्यकर्ता ही नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हवा हवाई कार्यकर्ता है। उसका कारण है कि कांग्रेस और भाजपा में दो बात है, भाजपा जमीन से कोहिनूर ढूंढ के लाती है और उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस पैसे के दम पर उम्मीदवार बनाती है, जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी करती है। अब रही बात सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की,
या नहीं बनाने की, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है। हाँ। क्यों? क्योंकि चार साल तक सचिन पायलट ने मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकी और सत्ता के दहलीज पर कांग्रेस को लाके खड़ा किया। कांग्रेस ने तीन विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय को इग्नोर किया, तो आज जाट भाजपा के साथ है, ठीक है। दूसरी बार ब्राह्मण सीपी जोशी जी थे, सीपी जोशी जी का सीएम बनने का नंबर था, लेकिन वो एक वोट से हार गए और कांग्रेस ने जो है फिर अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, मेरा मानना यह कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनेजमेंट किया चुनाव को, एक प्रबंधन बहुत अच्छा था वहाँ का, एक एक कार्यकर्ता एक वोटर को लाने की हिम्मत रखता था। अभी आप देखें, अगर अपन ने चुनाव, अपन लोग भी देखते हैं कि अगर आपके यहाँ सरकार की तरफ से एक आपकी पर्ची आई थी, उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आया कि साहब हमारे कैंडिडेट के लिए वोटिंग करना, लेकिन कांग्रेस का नहीं आया। कांग्रेस का कार्यकर्ता काम ही नहीं करना चाहता। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने ये सोचा कि जैसे पहले जनता ने हमको हटाया है, शायद हम वापस, वो विकल्प मजबूत है, इसलिए लोग हमारे पास आएंगे और वापस हमको सत्ता में लेकर आएंगे, जो उनकी गलतफहमी से दूर हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता वाकई काम नहीं करना चाहता क्या? नहीं, ये तो गलत बात बोलना होगा इनका। सीतीश जी ने बोला और इन्होंने बोला कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता तो 103 सीटें अभी तक आती नहीं। 44 सीटों पे हम थे पहले। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में आप अलग चीज है। अनुपम के गलत ले गए, हमने कार्यकर्ता की बड़ाई बीजेपी की कही है, बुराई इनकी नहीं की है। दूसरी चीज देखोगे इस बार तो सुशील कह रहा कि बीजेपी कनेक्ट कर रही थी लोगों को, कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर पाई। आप राहुल गांधी का आप रैली हुई थी यहाँ पे बांदनवाड़ा पे, आप देखना राहुल गांधी स्थानीय बातों को लेकर कुछ भी नहीं बोले, चौकीदार चोर है, रफेल की बात जो वो बोलते थे। जबकि आप नरेंद्र मोदी को देखोगे, सीकर जाएंगे, झुंझुनू जाएंगे, तो वो अपने आप को लोकल की बातें करेंगे। कांग्रेस आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक भाजपा का कार्यकर्ता होके भी मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता को इसलिए गलत नहीं कहूंगा। आज हम एक स्टोर में बैठे हैं, यहाँ पर सेल्समैन उसी टीवी को बेच सकता है जो थोड़ी बहुत अच्छी हो, उसी को थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करके उसको बेच पाएगा। लेकिन जब इनका जो प्रोटेक्टर, जो मेन आदमी था राहुल गांधी, वही अपनी सीट पे हार रहे हैं, तो कांग्रेस को कार्यकर्ता को आप कैसे गलत कह सकते हो? जब वो जिस चीज को बेच के पूरे देश पे नाम करना चाहते हैं कि हमारे प्रधान, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, तो हम पूरे देश के कार्यकर्ताओं को तो गलत कहना उचित। इसमें जो इनको माइक्रो कास्ट इंजीनियरिंग करनी चाहिए कांग्रेस को, वो नहीं कर पाई। मैं उदाहरण अजमेर से ही शुरू करूंगा। अजमेर में गुर्जर जो था वो कांग्रेस को वोट देता आया, कांग्रेस को ही वोट देता, लेकिन आप देखो कर्नल बैसला जब बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने यहाँ पे गुर्जर बहुल्य गांवों में बैठकें की, गुर्जरों को बीजेपी की तरफ रुझान लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के प्रयास नहीं किए थे। आप ये देखोगे आज नसीराबाद, अभी पीटीआई खुल रही है नसीराबाद, कुछ करके जो गुर्जर बहुल्य इलाके हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। कांग्रेस इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई है। जिससे रचित ने कहा कि हम लोग सेल्समैन है, कौन बेटर बैठता है बीजेपी में, परेशानी क्या है कि बीजेपी में सेकंड लाइन नहीं बन रही है, कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं बन पा रहे हैं सेकंड लाइन में। आप आने वाले टाइम में आप कमी देखोगे तो फिर बीजेपी को ये जो चीज़ है, ये चीज़ काफ़ी चीज़ तक हद तक अकड़ी है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बीजेपी की और राहुल गांधी यानी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो रैलियाँ देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी, तो राहुल गांधी राफेल राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, उसी को टारगेट करते थे। मेरे हिसाब से शायद उन्होंने जमीनी जो जैसे कि नोटबंदी उसको नहीं उठा पाए, जीएसटी की समस्या उसको नहीं उठा पाए, बेरोजगारी को नहीं उठा पाए, स्वास्थ्य के हेल्थ के इशू को नहीं उठा पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जब जब आए तब तब उन्होंने अपनी बात को किया। उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना दे दी हमने, स्वच्छ भारत कर दिया हमने, उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के जरिए हमने स्किल कर दी। क्या वाकई ये वोटर के दिमाग पे हो गई? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने वो बातें कही जो जनता सुनना चाहती थी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल बोला लेकिन बाद में माफ़ी मांगी, हालांकि माफ़ी किस उसको मांगी गई है वही गलत, लेकिन उन्होंने तो मार्केटिंग ये की कि राहुल गांधी बिल्कुल गलत साबित हो गए। तो राहुल गांधी का बोलना या एक्सप्रेशन देना कतई जनता को प्रभावित नहीं कर रहा था, और वह सभी बनी हुई है कि ये लोग बड़े हाई लेवल के लोग हैं, इनको आम आदमियों से क्या लेना देना, चुनाव है इसलिए सड़कों पर आ रहे हैं, और ये जो लोगों से मिलना जुलना करते थे, एक प्रोपेगेंडा जैसा लग रहा था कि एक दिखावा कर रहे हैं ये। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 18 तारीख तक, चाहे आपसे सॉरी पूछे कि आप लोगों का चैनल भी ये कह रहा था कि भाजपा की स्थिति बड़ी कमज़ोर है, यानी भाजपा के नेता सुब्रमण्यम साहब कह रहे थे कि 220 से ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन 18 के बाद 19 तारीख कैसे आई, तो 24 घंटे में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ,
ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से आपके सर्वे करने वाले वही लोग होंगे जो 18 को कर रहे थे, लेकिन 19 में ऐसा क्या चेंज आया? तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मोदी जी को इनडायरेक्ट अपन सपोर्ट कर रहे थे कि अभी भी आप कमज़ोर हो। जब आदमी को जिताना होता तो अपन कहते हैं आखिरी दम तक उसको कमज़ोर मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इंडिकेट किया मोदी जी को कि आप भी कमज़ोर हो। अभी ये लहर नहीं थी मोदी की, ये जनता का आवाज़ है। मोदी लहर तो पिछले बार थी। क्या इसको जनता का प्यार कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का प्यार? नहीं, मोदी के प्रति विश्वास नहीं। मैं श्रीवास्तव जी से लगता हूँ, आप देखो मोदी का विरोध भी खुल के हो रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया हो। वही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस विकल्प नहीं दे सकी। कांग्रेस उस चीज को मोदी के प्रति लोगों का इतना प्यार नहीं रहा इस बार। मेरा मानना, अगर मैं कांग्रेस में होता तो शायद अगर मैं ये कहता था कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, इसको किसने उठाया? मोदी जी ने। लेकिन इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बोल पाए, यही बात है ना। अच्छा, ये कहते तो शायद कहीं ना कहीं स्थिति बदल सकती थी, स्थिति बदल सकती थी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब जब नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया चुनाव के दौरान, आप कौन कौन सी बातें अच्छी लगी नरेंद्र मोदी? देखिए, वो जब बोलते हैं तो एक मैजिक होता है उनकी बातों में, और कन्फ्यूजन रहता है कि यार वो बोल रहे हैं कि लुभा रहे हैं। अगर जनरल में मैं एक जनरल जनता के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो वादे किए कि यार मैं रोज़गार दे दूँगा तो पकोड़े बना लो, कहीं तो अखरती है उनकी बातें कि जो ठीक है वो जीते हैं तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से हमारा रुझान होगा कि यार कि हम पाकिस्तान से अगर बचा सकता है तो मोदी है, ये लगा मुझे माइंड में। लेकिन सबसे पहले देश की सुरक्षा थी, और जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को उठाया तो मुझे भी लगा कि यार कि कहीं ना कहीं देश की कवच अगर है तो फिर मोदी है। क्या गेम चेंजर हुआ सर सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित रूप से एक रीज़न दे गया। जो लोग कांग्रेस से नफरत करते थे, कांग्रेस से चिढ़ते थे, उनको एक रीज़न दे गया। देखो सुशील, ये मैं कतई नहीं मान सकता कि ये एक ऐसी लहर थी कि बस सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बीजेपी पुनः वापस से आ गई, पहले से भी ज़्यादा। ये एक तरह से जो नफरत कांग्रेस के प्रति या गांधी परिवार के प्रति लोगों में थी, आप ये देखो अर्बन एरिया में लोग बाग गांधी परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो एक उनको विकल्प दे गया, एक रीज़न दे गया कि हम मोदी ही बेटर है, मोदी ही बेटर है। समीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। एक्चुअली है क्या, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान, ये एक ऐसी चीज थी कि जो युवा जो बहुत बड़ा वर्ग है, इसने कभी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की पाकिस्तान पर हमला हो सकता है या पाकिस्तान को हम सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी ने जो पुलवामा के बाद जो रिएक्ट किया, उस रिएक्शन की मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि यहाँ तक हुआ कि अगर किसी ने कहा, निश्चित है वो सवाल भी बहुत हद तक सही था कि अगर आपने 400 मारे तो 400 दिखाओ, ये सवाल सही था। लेकिन एकदम उन्होंने उन्हें राजद्रोह से जोड़ दिया कि आप मेरे सबूत मांगते हो सेना पर, उन्होंने सेना को लाके खड़ा कर दिया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को लेकर कहीं राजनीतिक मंचों पर बात हो रही है। मैंने अपनी 52 साल की उम्र लगभग मेरी हो रही है, और मैंने इसके पहले मुझे वो चुनाव भी याद है जब इमरजेंसी के बाद वाला चुनाव हुआ था, या बीच बीच में कई चुनाव हुए ऐसे, तो कभी सेना की बात इस तरह से नहीं आती थी कि सेना के लोग वर्दी ले पहन के वोट मांग रहे हैं, सेना के लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठा है मैं सच्चा हूँ, या ये कह रहे हैं कि सेना की बात करने वाला एक इन्होंने देशद्रोह का एक नया वो खड़ा दिया फार्मूला, जिससे यूथ जो था बहुत इम्प्रेस। कांग्रेस से समीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब समीर शर्मा भी लगातार बने रहेंगे कांग्रेस की ओर से। समीर जी, ये जानना चाहूँगा, सर्जिकल स्ट्राइक को गेम चेंजर मानते हैं क्या आप? देखिए, सबसे पहले तो हम एक स्थिति मेरे अपने हिसाब से स्पष्ट कर लें, सर्जिकल स्ट्राइक भी गेम चेंजर रही है। उसके अलावा मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि ये चुनाव भ्रामक स्थितियों में लड़ा गया, विशुद्ध रूप से भ्रामक स्थितियों में चुनाव लड़ा गया। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थितियाँ पैदा की इस देश में, लोगों को भ्रमित किया और बार बार भ्रमित किया। नोटबंदी के नाम से अगर हम शुरू करें, उस वक्त ये भ्रम पैदा किया गया था कि काला धन वापस आ जाएगा, कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमारी खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप और मैं नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 99.99% धन वापस बैंकों में आ गया। दूसरी स्थिति देशभक्ति के नाम पर, आप और हम सभी लोग जानते हैं, और हमारे देश का आज का माहौल या देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक, हम
सब लोग इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि सिर्फ एक नारा जय हिंद और हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा और जोहार वो रहता है कि हम सारे के सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर और एकमात्र देश पाकिस्तान के प्रति हमारी मानसिकता, हमारा वैमनस्य रहा भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतियों को सपोर्ट करता रहा है। इस सब के बावजूद भी इस बात से हमें कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने हमारे देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक वो खंड हुआ जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाला, राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच रखने वाला तबका हो गया। दूसरा तबका वो हो गया जो भारतीय जनता पार्टी से इतर है, जो अलग राय रखता है, उसको पूरी तरह से राजद्रोही राष्ट्रद्रोही करार दिया गया। शर्मा जी, मेरा प्रश्न है आपसे, राजनीतिक पार्टियां जो है एक पॉलिटिकल एजुकेशन का काम भी करती है, एक राजनीतिक शिक्षा का काम करती है, आप क्या मानते हैं कांग्रेस लोगों को एजुकेटेड करने में, अवेयर करने में इस प्रकार की माहौल में विफल रही है? राजनीतिक पार्टियां निसंदेह एजुकेट करने का काम करती हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, उनका अपना एक तरीका होता है और वो बातें लोगों तक पहुँचाती हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बताती हैं लोगों को, कहीं ना कहीं उन बातों का प्रभाव पड़ता भी है। लेकिन क्या स्थिति रहे क्षितिज जी, जब चुनाव आयोग खुद ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 9 अप्रैल को एक जांच की बात की जाती है और ये कहा जाता है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पे खड़े होकर के बड़े जोर शोर से, बड़े जोश खरोश से ये बात कहते हैं कि हमारा पहली बार वोट करने वाला युवा क्या एयर स्ट्राइक के नाम पर, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट नहीं कर सकता? 15 दिन तक, यानी कि उसका उपयोग किया, पूरी होने दें आप प्लीज, 15 दिन तक चुनाव आयोग में वो बात घूमती रहती है, उनको बैन नहीं किया जाता है। बाकी सभी लोगों के ऊपर 2-3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाता है। 15 दिन तक वेबसाइट तक पे आपका रिजर्व का स्टेटमेंट चलता रहता है और उसके बाद में मालूम पड़ता है कि वो फाइल गायब हो जाती है। सम्माननीय मेरे भाई साहब जो कह रहे थे पीके श्रीवास्तव जी कि साहब 18 और 19 में इतना अंतर क्या हो गया, आप एक स्थिति समझें कि आपके दल का एक इतना सम्मानित सांसद, इतना इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बंदा जिसका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 220 से ज्यादा सीट हम नहीं ले रहे हैं। उसके बावजूद आपके पास रेफरेंडम आ रहा है, रेफरेंडम किन कंडीशंस में आता है? या तो वेव चलती है, वेव आपकी थी नहीं, वेव आपने बार बार मैनेज करने की कोशिश की, रेफरेंडम आया आपके पास सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के नाम पर, भ्रामक देशभक्ति के नाम पर। मेरा ये बीजेपी की जो बातें हैं बीजेपी से पूछ लेंगे। शर्मा सर एक चीज बताओ, क्या आप मानते हो कार्यकर्ता और नेता और नेतृत्व में अंतर रहा, दूरियां रही है, ये भी एक कारण रहा है? मैं वहीं बैठा था, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया मैं आने में, वहीं बैठा था। मेरे छोटे भाई हैं, ये बड़े प्रेम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए मेरे छोटे भाई, मेरे भाई नंदू जी ने भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात की। मैं तो, आप कह रहे थे कि भाई संशय की स्थिति में तो चुनाव का पूरा परिणाम आ जाएगा उसके बाद भी रहेंगे, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं सर, संशय की स्थिति ना मैं कल थी, ना आज है और ना कल रहेगी, बिकॉज बाय ऑल मीन वी आर परफॉर्मिंग बेटर। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था कांग्रेस विहीन भारत, तो कांग्रेस जिंदा थी, बीजेपी ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के लोग बैठे हुए, बीजेपी के नेता, युवा नेता बैठे हुए इस वक्त, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और पूरे देश के अंदर जब जब भी सभाएं हुई तो मोदी जी ने तो नम आंखों से ये बात कही कि सेना पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, पुलवामा में अटैक के ऊपर कभी राजनीति नहीं, उन बातों को, उन भाषणों के भी बात राहुल गांधी जी खुद कह रहे चुनाव आयोग पे सवाल कौन उठा रहे, अशोक गहलोत जी, अरे आप उस पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हो कि इन्होंने ईवीएम इधर से उधर कर दी, अरे पुलिस प्रशासन आपका इधर राजस्थान के अंदर, आप ही की सरकार है, आप किस कौन सी पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हो? सर गहलोत सारी यूपी की है। दो सीटों से जो आदमी लड़ रहा है, अगर वो एक से हारता है एक से जीतता है, क्या तब भी ईवीएम पे, कौन सी ईवीएम पे सवाल खड़े करेगा? ये जोक चल रहा है सर। कांग्रेस अपने हार के कारण को छुपाने के लिए कोई ना कोई एक बहाना कर लेती है। ईवीएम की अगर हम बात करते हैं
तो जब मोदी जी पहली बार चुनाव जीत कर आए, जब भी वो ईवीएम थी तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो ये तो एक वो है कि अपन लोगों को दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वो है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक बात करते हैं अपन बनारस की बात है, बनारस में इतने ज़्यादा जो नॉमिनेशन थे उनको निरस्त किया जाता है। मेरे बड़े भाई साहब अगर मुझे परमिट करें ईवीएम के बारे में समर्थन में एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करता हूँ। 2014 में जब इलेक्शन हुए तब वीवीपैट की क्या स्थिति थी? वीवीपैट नहीं थी, ठीक है ना सर। अगर ईवीएम इतनी ही तार्किक और इतनी सटीक होती और उसके हैकिंग के चांसेस कहीं नहीं होते तो वीवीपैट की व्यवस्था क्यों की गई? दूसरी स्थिति, आप जो जिस जोक की बात कर रहे हैं इसको व्यवहारिक तौर पर एक बात समझे, ईवीएम मैं ये कतई नहीं कहता, ना कांग्रेस संगठन ना कोई भी व्यक्ति और कोई भी बुद्धिजीवी ये कह पाएगा कि भाई एक जगह से इस देश की सारी ईवीएम हैक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी ये डिफर कर सकता है। ये राजनीतिक बात की जब बात की जा रही है तो मैं कहना चाहूँगा सर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच का डिस्टेंस भी इतना होता है और अलग अलग, बल्कि आप देखें पोलिंग बूथ का भी इतना डिस्टेंस होता है कि ये चीज़ें साधारण रूप से हो सकती है। रचित कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले उन सब साथियों से पूछना चाहूंगा, जब कुछ दिनों पहले राजस्थान में इन्हीं ईवीएम मशीनों से आप जीते तब ईवीएम बिल्कुल सही हो गई थी, वो बिल्कुल पवित्र थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही थी, कोई ईवीएम इधर से उधर नहीं ले जा रही थी, ईवीएम बिल्कुल सही थी। अब जब आपको पूरी तरीके से पता पड़ रहा है कि आप हारने की कगार पे हो, आपके बचने का कोई चांस नहीं, 25 की 25 सीट आप राजस्थान में आ रहे हो, तो आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये, जब ईवीएम में हैक हो सकती थी तब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि आप एक साक्ष्य दे दीजिए जिसके अंदर ईवीएम हैक होने का, तो आप क्यों नहीं साक्ष्य दे पाए? कई बार दिए गए, आप देखें 50 बार ऐसा हुआ है कि बैलेट पेपर संतुष्ट हो पाया, एक भी बार संतुष्ट नहीं हो पाया, उनको दबाया गया बटन और वो केवल और केवल व्हाट्सएप के वीडियो में हुआ जो अपन बचपन में गेम खेला है। ईवीएम मशीन को एक मजे मुद्दा मैं बीजेपी, क्योंकि अभी तक सारे प्रश्न जो है कांग्रेस पे दागे जा रहे हैं, तो एक मैं क्वेश्चन जो है बीजेपी से पूछूंगा कि रचित जी आप लोग आ गए एक माहौल में आ गए या कांग्रेस की कमी से जो भी कारण रहे, लेकिन आप ग्राउंड पे डिलीवरी कब तक करोगे ये चीजें, आप विकास कब करोगे, आप लोगों के जो है परेशानी कब सॉल्व करोगे? क्योंकि अगर आप कर रहे होते तो आपकी वसुंधरा सरकार नहीं गई होती। वसुंधरा सरकार से पहले कहीं ना कहीं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं हमने विकास किया, उसी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में कहीं भी जाति के ऊपर, समाज के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वोट मांगे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा करती गई कि हमको मालियों को मैनेज करना है, इसलिए हम अशोक गहलोत जी को बनाए थे, गुजरों को मैंने हमने पूरा चुनावी विकास के आधार पर लड़ा और कहीं ना कहीं सरकार बनते पुणे विकास की रफ्तार। अच्छा सर, मैं आऊंगा पूरे अगर पार्टी को सपोर्ट करता। हाँ समीर सर मैं आऊँगा। सर मैं जानना चाहूँगा राजस्थान की कौन सी ऐसी सीट है जिसके नतीजों का आपको इंतजार है और हिंदुस्तान में कौन सी सीटों का आपका इंतजार है? बारी बारी से आऊँगा। मेरे को अभी भी, क्योंकि मैं जोधपुर को ऐसी सीट नहीं मान रहा था जिसमें कांटे की टक्कर हो, जोधपुर के मूलभूत से संभावना मानी जा रही थी कि वैभव गहलोत का हाल खराब है। मैं नागौर को सशक्त मान रहा था और बाड़मेर को सशक्त मान रहा था कांग्रेस के लिए, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जो थे वो कांग्रेस के मोहताज नहीं थे, वो अपनी छवि के आधार के ऊपर लड़ रहे थे वहाँ पे और उनके पिता द्वारा किए गए काम की भी छवि है वहाँ पे। दूसरा जो डांगावास कांड हुआ था, जो आनंदपाल सिंह का कांड हुआ था, उसमें जो हनुमान बेनीवाल का रोल रहा था उससे मुझे लगता था कि जो दूसरे कास्ट फैक्टर हैं, जो राजपूत हैं, जो दलित हैं, वो कास्ट फैक्टर हो गए, दो इक्वेशन बदलेगी। तो ये दो सीटों को मैं मान रहा था जो कांग्रेस के फेवर में आ सकती थी। सबसे बड़ी सीट अगर आप देश में देखे जाए तो देश में एक तो आपकी जो है भोपाल की सीट मानी जा रही थी जब दिग्विजय सिंह खड़े थे और साध्वी प्रज्ञा ने जिस प्रकार के बयान दिए थे और उससे जो देश में एक माहौल बना था, मैं मानता था कि वो सीट एक निर्णायक होगी कांग्रेस के फेवर में। अमेठी को लेकर कोई संशय नहीं, अमेठी को लेकर संशय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ना मेरे पे था, ना कोई और जो जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेठी को लेकर कोई संशय है, था और रहेगा। मुझे लगता है कि जो लीड है वो काफ़ी कम है और कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद चीज़ है। आपको नंदकिशोर जी, आपको क्या उम्मीद थी, कौन से सीटों का इंतजार था राजस्थान की और भारत के अंदर? देखिए सतीश जी ने बताया बाड़मेर वाली सीट जो है वो सीट कांग्रेस की झोली में जो मान के चल रहे थे, वैभव गहलोत साहब वाली जो सीट है उसको मान के चल रहे थे, और टोंक सवाई माधोपुर वाली जो है उसमें नमो नारायण मीणा जी की जीत को हम सुनिश्चित मान रहे थे।
मतलब कुछ सीटें ऐसी थी कि इन सीटों को हम पक्का मान के चल रहे थे। नागौर की सीट को हम मान के चल रहे थे कि ज्योति मिर्धा जो है वहाँ अपना खाता खोल सकती है। तो ये चार पांच सीटें ऐसी थी कि भाई जो है ये कांग्रेस के पक्ष में आ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोग बता रहे हैं कि हमें मान रहे हैं।